आईपीएल 2023 को लेकर चेन्नई सुपर किंग्स की तैयारी स्टार्ट हो चुकी है और गाइस जो भी खबरें निकल के आ रही है लगातार मैं आपको दे रहा हूँ। और गाइस आज की भी डेट में काफी ज्यादा न्यूज निकल के आ रही है जो कि आपको बताना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स ने आज काफी बड़े बड़े चीजों का न्यूज यहाँ पे स्पॉइलर दिया है। सो गाइस आपको करना कुछ नहीं है, हमेशा करें वीडियो को अभी लेकर पूरा इंटरनेट देखना है, और जो लोग भी नया चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं पहले न्यूज के बारे में, और गाइस चेन्नई सुपर किंग्स की आईपीएल 2023 को लेकर न्यू जर्सी लॉन्च कर दी गई है। हाँ गाइस चेन्नई सुपर किंग की जो जर्सी है उसे लॉन्च कर दिया गया है, और गाइस यहां पे एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक चार इन तीन खिलाड़ियों को मेन फ्रेम यानी कि मेन चेहरा बनाया गया है जर्सी को रिवील करने से पहले। तो गाइस यहाँ पे अगर जर्सी की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले हम लोग पुरानी और नई जर्सी में थोड़े से कंगालेंगे चीजें। तो पहली की जो जर्सी थी वो लाइट येलो थी, लेकिन अब की जर्सी को थोड़ा सा ऑरेंज टाइप में किया गया है, हल्का सा जो पहले उतना ज्यादा जो ब्राइट था उसे कम किया गया है और बीच में पैटर्न डाले गए, यानी कि पहले के कंपैरिजन किया जाए अब से तो जर्सी काफी ज्यादा बेहतरीन खूबसूरत लग रहा है, काफी ज्यादा बेहतरीन लग रहा है। और गाइस पहले की जर्सी से अब के जर्सी में कुछ चेंजेस किए गए हैं, हल्के हल्के चीज कुछ चेंजेस किए गए हैं, लेकिन सही में वो अपने आप में जो चीजें हैं वो बेस्ट से भी बेस्ट लग रही है। तो गाइस यहाँ पे इस जर्सी को मेरे तरफ से यहाँ पे 10 में से 10 स्टार मिलते हैं, क्योंकि ये जर्सी अगर सही में अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने वन ऑफ द बेस्ट जर्सी बनाई है, और गाइस काफी अच्छी जर्सी देखने को लग रही है। तो गाइस फाइनली बात करने वाले अगले चीज के बारे में, और ये है ऋतुराज गायकवाड़ और दीपक चार को लेके। फाइनली दोनों खिलाड़ी तो यहाँ पे परसों आ चुके थे, और गाइस प्रैक्टिस कैंप में आज ये दोनों खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि कैंप से जुड़ चुके हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शॉट्स भी खेले हैं, लगातार फुटेज से यहाँ पता चल रहा है कि इन्होंने अच्छे काफी शॉट्स खेले हैं, तो कहीं ना कहीं इनके फॉर्म की जो चीजें थी वो पूरी तरीके से सामने निकल के आ रही है। और दीपक चार ने भी नेक्स्ट में काफी जम के पसीना बहाया है। तो दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल 2023 को लेकर पूरी तरीके सीरियस फोकस सब चीज हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी हैं, और अगर ये दोनों खिलाड़ी अगर इसी तरीके का परफॉर्मेंस दे जाते हैं तो आईपीएल 2023 के लिए काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स का जो कैंप है जो कि पांचवीं ट्रॉफी का सपना देख रहा है वो इस साल जरूर से पूरा होता हुआ नजर आ सकता है। तो भाई फाइनली बात करने वाले अगले चीज पे, पहले मैं आपको बता दूं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कैंप की हर खबर, हर फुटेज, हर वीडियो, हर पिक्चर सब चीजों के लिए आपको यहाँ पे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, यहाँ पे खूब यहाँ पे आप फोटोज पिक्चर्स ले जाइए। तो भाई फाइनली बात करने वाले अगले न्यूज को लेकर, और ये है मोइन अली को लेकर। हाँ गाइस मोइन अली भी चेन्नई का कैंप जल्दी ज्वाइन करते हुए नजर आने वाले, क्योंकि इनके तरफ भी सभी खबरें निकल के आ चुकी है, सब चीजें क्लियर हो चुकी है, और यहाँ पे ये भी जल्द से जल्द खाली रास्ता तलाश रहेंगे कैसे न कैसे करके जल्द यहाँ पे परमिशन मिले, और परमिशन मिलने के अगले दिन ही ये कैंप से ज्वाइन कर लेंगे। तो यानी कि यही है कि यहाँ पे मोइन अली भी 8 दिन के अंदर चेन्नई का कैंप ज्वाइन कर लेंगे, जो कि काफी अच्छी बात सामने निकल के आ रही है। तो भाई फाइनली तो बात करने वाले अगली चीज को लेकर, और ये है बेन स्टोक्स को लेकर। हाँ भाई बेन स्टोक्स का यहाँ पे बात कर लिया जाए तो ट्रेन स्टेशन जो कि इंग्लैंड है वहां पे इनकी बैग चोरी हो चुकी है, और उसके बाद इन्होंने ट्वीट करके अपना जो गुस्सा है वो पूरी तरीके से बाहर निकाला है, और इन्होंने साफ साफ कहा है कि मेरी जो किट्स और ये जो चोरी हुई है इसको लेके ये काफी ज्यादा निराश है, और ये जो चोरी हुई है उसके वजह से थोड़े से ये परेशान भी है। तो यहाँ पे बेन स्टोक्स ये जो चीजें हैं ट्वीट करके बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो क्रिकेटर्स के साथ हो रहा है चीजें ये अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेन स्टोक्स कहीं ना कहीं एक चेन्नई के भी अब मेंबर हो चुके हैं, तो ये चीजों को यहाँ पे फैंस भी थोड़े से ज्यादा यहाँ पे इन चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ये न्यूज निकल के आ रही बेन स्टोक्स को लेके जो मैंने आपको बता दिया है। सो गाइस फाइनली बात करने वाले अगले चीज को लेके, और ये है न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को लेके। हाँ गाइस न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड फिलहाल में बीसीसीआई के टच में बना हुआ है, मैंने आपको बताया था कि वही चीजें सामने निकल के आ रही है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने अपने में बात करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इनके प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जो कि श्रीलंका के खिलाफ T20 आई और ODI सीरीज लेने वाला है। तो अगर यहाँ पे बीसीसीआई अगर मना लेती है, जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड मान ही जाएगी, तो ये चीजें काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल में पार्टिसिपेट करते हैं वो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं काफी अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पे अगर ये चीजें हो जाती हैं तो काफी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अगर 80% चांस है कि ये दोनों खिलाड़ी, ये जो दोनों बोर्ड्स हैं उन दोनों ने मिलकर अपने खिलाड़ियों को जरूर से कह देंगे कि आप आईपीएल खेल लीजिए। तो गाइस ये थी आज की वो सभी खबरें जो कि निकल के आ रही, मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो एंड करते हैं आपके साथ।